turn by and enjoy the feeling of summer days. Known for our lively dining experience, featuring exceptional ghost-inspired food in a beautifully designed atmosphere. एक्वास्टार नहीं है क्या? घर या ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार अनुसाधक, मैं आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित, इस वक्त मैं बोट पर, और हम आपको ये बता दें कि जब भी हम लोग चाटम से बॉम्फ्लैट या चाटम से डंडस पॉइंट जाते हैं तो, और अक्सर हॉलीडेज़ के दिन या ऐसी नॉर्मल डे के दिन भी जो है बोट्स की काफ़ी परेशानी होती है। काफ़ी लोग हमें कॉल करते हैं जब तक हम यहाँ पर आते हैं तो हम खुद ही यहाँ पर देखते हैं कि लोग यहाँ पर परेशान हैं। बोट रहता है एक और लोग रहते हैं इतने सारे बोट्स होने के बावजूद भी आखिर क्यों नहीं चल रहे, और अगर DSS के पास बोट नहीं है तो वो इसके बारे में खुलकर क्यों नहीं बता रहे। प्रेस लीज, अगर आपके पास बोट नहीं है तो आप प्रेस लीज करके बताइए, क्योंकि बम्बो फ्लैट एरिया में इतने लोग रहते हैं, वो लोग रोज़मर्रा के लिए पोर्ट ब्लेयर आते हैं, चाटम यहाँ पर आते हैं, अपना कामकाज के लिए आते हैं, लेकिन प्रॉपर टाइमिंग में वो लोग जो है ना घर जा सकते हैं ना अपना कामकाज के लिए जा सकते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर अब हम बात करेंगे विम्बलीगंज के प्रधान से वेंकट राम बाबू, और ये हमें संक्षेप में बताएंगे आखिर ये माजरा है क्या, और ये आज से नहीं चला रहे, काफ़ी दिनों से लोग हमें कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन आज जो है आज हम खुद यहाँ पर देखे हैं। बोट एक है लेकिन देखिए बोट पे भीड़, देखिए जहाँ पर रैंपेज है वहाँ पर भी लोग खड़े हैं। तो इसी विषय को लेकर हम प्रधान जी से बात करते हैं और जानते हैं आखिर ये माजरा है क्या। पहले तो न्यूज़ आप तब को इस बड़ी समस्या को कवरेज करने के लिए आपको फरारगंज तहसील की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सवाल किया कि यहाँ पे बोट की समस्या है, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, और कहीं ना कहीं DSS जो है पहले तो शुरू में काफ़ी बोट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे थे, लेकिन धीरे धीरे बोट जो है माइनस होते गया। देखिए माइनस होते गया, देखिए अब माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, देखिए फंड तो आ रहा है ना। इन लोगों का काम है, लोगों का, हम लोग जैसे लोग हैं यहाँ पर, ठीक है ना, हम लोग का सर्विस करने के लिए ये लोगों को जो है तनख्वाह दिया जाता है। DSS डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विस, इतना बड़ा जो है ये एक डिपार्टमेंट है, इनके पास क्या बोट नहीं है क्या? काफ़ी सारे बोट हैं, बोट सभी जो है डेडॉक में खड़े हैं। अब किस कारण से खड़े हैं ये तो DSS को ही जवाब देना है। कहीं ना कहीं फरारगंज तहसील के लोग काफ़ी परेशान हैं, सबसे ज़्यादा बाज़ार से जो आते हैं उनको तो परेशानी है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी फरारगंज तहसील के लोगों को है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि आज लंबी कतारें खड़ी है। अभी आप जा रहे हैं, आप रिटर्न आने टाइम में देखिए कितनी लंबी लाइन जो है आपको बम्फ्लैट में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं DSS को चाहिए कि इस विषय पर ध्यान दे, और जितना भी बोट बंद पड़ा है उस बोट को जो है फिर से चालू करे और इस समस्या को समाधान दे। और हमें ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि कहीं ना कहीं बोट जो है प्रॉपर टाइमिंग में नहीं चल रही है, और जितना पैसेंजर्स को लेकर जाना है उनसे ओवर कैपेसिटी में लेकर जा रहे हैं, क्या ये बात सच है? ये बात सच है, कहीं ना कहीं बोट की कमी के कारण लोग भी जो है वेट कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए लोग चढ़ रहे हैं, तो DSS भी कहीं ना कहीं मजबूर है, लोगों को समय से जाना है, समय से ड्यूटी पहुँचना है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो ओवरलैंड मजबूरी में जाते हैं, और कोई ना कोई कारण से बहुत सारे लोग जो है बोट का सहारा में ही चलते हैं। देखिए DSS की मजबूरी हमें समझनी है, देखिए इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, उनके पास इतने बोट है। मैं आपको बता दूं, हाल अभी आपको ये खुद पता होगा कि शाम का जो स्पीड बोट पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक जो सौराद्वीप के लिए जो चलता है वो बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है DSS का, जो हमारे अतुल सर DSS डायरेक्टर, उनका ये कहना है कि बोट्स नहीं है,
बीच में हमने कवरेज किया था, लोग वहाँ पर जो है जितने भी लोकल्स थे लोग जो है रोज वहाँ पर आवाजाही करते हैं क्योंकि काफ़ी लोग जो है वहाँ पर काम करते हैं तो मेडिकल के लिए यहाँ पर आते हैं, जी पंद अस्पताल आते हैं, मतलब रोज का आना जाना है। लेकिन विदाउट इंटीमेशन दिए गए इन्हें जो है बराबर 4:37 में इन्हें मैसेज आता है कि आप लोग जो है अपना टिकट का पैसा रिफंड कर लीजिए, बोट नहीं जाएगा। और लोग आखिर करें तो करें क्या, वो लोगों का यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है, एक दिन का स्टे करने के लिए 1,000 से 1,500 रुपया वो लोगों को देना पड़ेगा। तो ये सब जो है छोटी मोटी बात नहीं है, DSS को ये चीज़ मानना चाहिए, अपनी गलतियां वो नहीं मान रहे हैं। देखिए इतने सारे बोट है, बोट नहीं है करके नहीं, आप अगर जाएंगे मरीन जट्टी आपको इतने बोट दिखाई देंगे तो, और इतना पैसा आता है तो ये लोग कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं। देखिए अंडमान निकोबार का प्रधान है, इसके बारे में आपको तो हमसे ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। देखिए अंडमान निकोबार का लाइफ लाइन है बोट है, और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि बोट को ऊपर ही फोकस करे, चाहे वो हमारा लोकल हो चाहे इंटर आइलैंड से रिलेटेड हो। आपने जैसा कहा हैवलॉक का समस्या, उसमें जनरल पब्लिक भी इफेक्ट कर रहा है, टूरिज्म भी इफेक्ट कर रहा है, उसी तरह अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को 1,000 करोड़ रुपये आ रहा है, तो फोकस जो है बोट पर करना चाहिए क्योंकि यहाँ का लाइफ लाइन बोट है। क्योंकि यहाँ मेलैंड की तरह ना कोई बस सर्विस है ना कोई रेल सर्विस है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बोट सर्विस है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि फोकस करे बोट के ऊपर में। बोट अगर यहाँ पे आप एक्स्ट्रा भी मंगाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि यहाँ इतने सारे आइलैंड्स हैं जहाँ पे बाद में इसको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो और भी काफ़ी लोग हैं, तो और एक सर हमारे साथ है, उनसे भी हम जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जी, मैं मॉडल विलेज कन्यापुरा में रहता हूँ। मेरा सर्विस जो है 30 साल हो गया है, मैं 30 साल से बोट में सर्विस कर रहा हूँ। आज से 10 साल पहले जो है बहुत अच्छा सर्विस था DSS का। आज हमको देखने जा रहा है कि सुबह जो हम आते हैं 6:30 बोर्ड के लिए, घर से हमको 5:45 में निकलना पड़ता है। एक तो आधा घंटा से ज़्यादा वेट करना पड़ता है उधर बोर्ड के लिए, दूसरी बात जब बोट आता है तो इतने ही लंबा क्यू लग जाता है यहाँ से बाबूराड जट्टी से लेके आपका शोर पॉइंट का जो है AT कंपनी जो बोलता है उसके गेट के करीब तक चले जाता है। तो फर्स्ट बोट तो आपको नहीं मिलती होगी? फर्स्ट बोट नहीं मिलता क्योंकि फर्स्ट बोट के लिए जहाँ तक हमें सुनने में आया है कि लोग जो है सवेरे 4:30, 4:30 या 5 बजे से लोग जो है वो 8 बजे का बोट पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं। क्या ये तो मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं 6:30 बजे आता है, मेरा सर्विस 30 साल से हम 6:30 बजे आ रहा हूँ और वापस मेरे जाना 3:30, 3:30 बजे रहता है। 3:30 का बोट तो हम लोग मैक्सिमम मिलते ही नहीं क्योंकि बोट जो है टाइम से सर्विस करता नहीं है, अपना मनमर्जी से आता है, कभी इनके पास बोट शॉर्ट रहता है तभी कंटिन्यू फेरी करता है, इसी वजह से दिक्कत ज़्यादा आता है पब्लिक को। और व्हीकल फेरी जो बोलता है नाम का व्हीकल फेरी, लेकिन टाइम से तो चलता नहीं है, और इसी की वजह से हम लोग टिकट लेता है पास ले लेता है लेकिन हम लोग व्हीकल नहीं ला रहे हैं। मैं पिछला महीना पास लिया एक दिन भी गाड़ी नहीं ला सका, इस महीना भी पास लेके पॉकेट में रखा अभी तक हम गाड़ी नहीं लाया, इसी वजह से कि हमारा टाइम से मिलता नहीं, अभी रोज़ा का महीना हमको टाइम से हम पहुँचता नहीं है घर में, इसी वजह से गाड़ी नहीं लाता है। हम पब्लिक को अभी देखिए इसी बोट में देखिए आप, कुछ लोग छूट गया अभी उधर। देखिए रोज़ा का महीना है, टाइम से आप जब इबादत नहीं करेंगे, आप टाइम से घर नहीं पहुँचेंगे, आप रोज़ा खुलाई नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा सर? आप एक बताइए, ये चीज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और DSS के जो डायरेक्टर है अतुल सर, देखिए देखना चाहिए, इतना सारा मुद्दा है लेकिन ये लोग जो है ना सर हर बात को ना लाइटली लेते हैं, लाइटली लेने से कैसा होगा? कई बार जो है बोर्ड का प्रॉब्लम से मैफ्लॉट में फ़ोन करता है, फ़ोन करता है कभी फ़ोन उठाता नहीं, और फ़ोन उठाता है तो उनका रवैया भी ऐसा रहता है हम लोग से बात करने का तरीका, आप सीधा जाइए DSS से बात करिए, हम लोग ये सब बहुत हम लोग मत बोलिए, तो हम लोग बहुत लेट से आया। मैफ्लॉट सेक्शन का काम देखिए उनका काम ही यही रहता है कि कम से कम जो लोग कॉल करते हैं उनको इन्फॉर्मेशन दे देना, लेकिन ये लोग जो है ना, मैंने आपको पहले ही कहा कि इन लोगों का जो है ना रवैया ही चेंज हो चुका है सर। और इनका मेन प्रॉब्लम क्या, हमेशा सवेरे जो फर्स्ट ट्रिप जो 5 बजे का 5:30 का ट्रिप हमेशा प्रॉब्लम रहता, कंप्लेंट रहता, पता नहीं क्यों ये 2 ट्रिप में इनको लेट होता है, अब बोलता टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये तो हमेशा सुबह होता सबसे ज़्यादा, उसके बाद उतना नहीं होता। नहीं सर मैं आपको ये सब बताता हूँ, कल ही एक ट्वीट आया था और ये हमेशा आता है, ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, हमें ये समझ नहीं आया कि हमेशा ही DSS जो है ये ट्वीट करता है ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, आखिर ये है क्या? और कल मैंने इससे ट्वीट भी किया था और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर इसका मतलब क्या है? अभी देखिए मेडिकल केस जो आता है जी, मेडिकल केस जो है यहाँ से रेफर होता है बॉम्बे विंबलियन से, पेशेंट को इतना दिक्कत होता है टाइम से बोर्ड नहीं रहता, कभी जो है पेशेंट वहाँ से हॉस्पिटल से कॉल करता है यहाँ से बोर्ड छोड़ के चले जाता है, और उसमें पैसेंजर भी होता है उनको ड्यूटी टाइम से जाना पड़ता है, कभी बोर्ड को रोक के रखता है कभी बोर्ड छोड़ देता है,
छोड़ने के बाद कभी वापस आ जाता फिर पेशेंट को लेने के लिए। ये सब जो है मुद्दा प्रॉब्लम जो हमेशा चलता है हम लोग बीच, तो इससे हमारा दिक्कत ज़्यादा होता है। मैम बोला आपको पहले ही बता दी मेरा 30 साल सर्विस में जो है आज से 10 साल का बाद जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया हम लोग ये बोर्ड का वजह से। ये ना सर अभी ऐसा चल रहा है और एक 2-3 साल का बाद या 5 साल का बाद तो हालत तो अभी सबसे बड़ा ये सोच किया कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो DSS को मालूम है कि उसका डिपार्टमेंट में वोट कितना है, ये सही चलता है नहीं चलता है, इसका उनका नॉलेज में है कि नहीं ये भी हमको नहीं मालूम। शायद हमको लगता है DSS का नॉलेज में होगा नहीं ये बात कि वोट हमारा कितना चलता है, कौन कितना वोट ड्राई डॉक में है, ये उनका नॉलेज में है नहीं है, ये पहले पता करना पड़ेगा। ये तो आते हैं 1-2 साल अपने पद काट कर, क्योंकि अंडमान निकोबार जो भी आता है अच्छा अपना जो है पद काट कर अच्छा मोटी सैलरी लेकर जो है चला जाता है, ये चीज़ तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं ना सर वो सफ़र करते हैं और कहीं ना कहीं लोग जो है आस्ते आस्ते जो है दब रहे हैं और अब जो है मौका आ गया है कि लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसा ही होता रहेगा सर। अभी देखिए हमारा बोर्ड के स्टाफ जो है बहुत अच्छे लोग अच्छे हैं, उन लोग जो हमारे साथ अच्छा सर्विस देते हैं उन लोग हम लोग साथ कॉपरेट करते हैं, लेकिन उन लोग भी मजबूर है, उनको बोर्ड का जो टाइमिंग देते हो टाइमिंग से उन लोग अपना सर्विस कहीं ना कहीं गलती है जो है ना हायर ऑफिसर जो है वो करते हैं। 3-4 बोर्ड चलने से हमारे प्रॉब्लम कभी नहीं होता है, अब एक दिन जो है 3-4 बोर्ड चलते हैं सडनली बोर्ड बंद हो जाता है, 1 या 2 बोर्ड चलते हैं तब ये प्रॉब्लम फिर दोबारा क्रिएट हो जाता है। अभी कभी देखो अगर आप चाटम जट्टी से लेके स्वामी चाटम का गेट तक जो है क्यों लगा रहता है बोर्ड व्हीकल का, ये हमारा प्रॉब्लम बस आपको इतना ही कहना है। और एक शॉर्ट ज़्यादा समय ना लेते हुए चाटम जट्टी में आप लोग जब गाड़ी पार्क करते हैं आप लोगों को कितना दिक्कतें फेस करना पड़ता है? तो आप खुद देख लिया अभी आते जाते आप तो देख लिया कि देखिए अभी गाड़ी जो है बोर्ड लीजिए तो वहाँ खड़ा रहना पड़ा धूप में आधा घंटा 1 घंटा और वहाँ पर जो बस आता है और आप लोगों को गाड़ी खड़ा सबसे ज़्यादा बाई चांस अगर आप लोगों को मतलब ट्रिप मानना है गाड़ी वहाँ रख कर आप लोगों को बाउंफ्लट आकर वापस जाना है आप लोगों को गाड़ी रखने कितना दिक्कत है? उधर ऐसा कोई पार्किंग है ही नहीं जो गाड़ी जो पार्क करने का जो चाटम और जो सोबिल के से बाहर जट्टी तक ऐसा कोई जगह जो पार्क करने आप खुद देखे कि वहाँ पर जो है नया से बनाया गया है लेकिन बनाकर कुछ फायदा हुआ उसका नहीं, फायदा तो रोड थोड़ा क्लियर हुआ बस उतनी है लेकिन रोड में तो धूल वही उड़ता है बस उसी तरह आता है बस आता है अपना और जो व्हीकल जो है कोई भी आके कोई पार्क कर ही नहीं सकता उधर पार्किंग है ही नहीं। और अगर पार्क करते हैं तो वहाँ पर जो है गाड़ी में लॉक लगा दिया जाता है पुलिस वाला आता है लॉक करके चल जाता है। तो आप एक सोचिए ना 12 रुपये का सफर के पीछे आपको 5,000-10,000 देना पड़ता है। देते हैं पब्लिक क्या करेगी, पूछने वाला कौन है, किसी का माँ बाप नहीं है, सबका अपना रवैया अपना मर्जी चलता है, पूछने वाला कौन है? देखिए जैसा सर ने कहा ना पूछने वाला कोई नहीं है लेकिन हम तो ज़रूर पूछेंगे, न्यूज़ आपका का काम है जो हर कोई नहीं करता वो चीज़ पूछना और जनता तक एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना और जनता को जगाना हमारा काम है और ये काम से नाम डरेंगे नाम झुकेंगे। बस सिंपल वे में हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमें इसका रिजल्ट चाहिए, लोग काफ़ी परेशान हैं और एट लास्ट हम आपको ये बता दें फिर से और एक बार हम व्यू दिखा देते हैं बोट में, आप भीड़ देखिए बोट वालों को इसमें हम कसूरवार नहीं ठहराएंगे, देखिए वो लोग अपना काम कर रहे हैं लेकिन जितना हायर ऑफिसर्स लोग जो है कहीं ना कहीं इनके पीछे जो है इनको भी दो बात सुनने मिलता है हमेशा ही। देखिए वहाँ पर रैंप में रैंप देखिए रैंप सही से ऊपर भी नहीं है, वहाँ पर भी लोग खड़े हैं, जूम करके दिखाइए ज़रा देखिए, अगर बाई चांस अगर कुछ होता है तो इसमें गलती किसकी है, कौन जिम्मेदार होगा, कौन होगा जिम्मेदार? बस इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और देखते रहे न्यूज़ आप तक, इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन महेश के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।